आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है, अपनी राय रखना चाहती है, वो जो पुरुष मानसिकता है उसको गवारा नहीं है। हम चाहते हैं, मैं अपनी पक्ष की महिलाओं से भी कहूंगी कि जब मणिपुर की घटना घटी, जब किसी भी रेप की घटना घटती है, जब हमारी पहलवान बच्चियां बैठती है, आपका समय समाप्त हो रहा है। समानता का अधिकार दिया है आपने महिलाओं को, ऐसा अधिकार दिया है समानता का अपनी महिला मंत्रियों को कि उनको कह दिया जाता है कि एक शब्द भी महिला के शोषण के खिलाफ आपका निकलना नहीं चाहिए। ऐसी समानता और ऐसी दैवीय शक्ति हमें आपकी नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। इसके साथ ही मैं एक कविता का अंश पढ़ के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। नारी के ऊपर एक कविता है, उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से अलग दिखने में कुछ अलग करके ही जाऊंगी, चाह नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी, नारी हूं मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी, जो सदियों से देखा तुमने लिपटी साड़ी में कोमल तन को, घर घर में रहती थी वो पर जान न सके थे उसके मन को, झुकी हुई सी नजरें थी, वाणी मध्यम मधुर सी थी, फिर भी तानों की आवाज प्रबल थी, हिम्मत ना थी उफ करने की, अब बदल गई है ये पहचान, अब बदल गई है ये पहचान, नारी की ना साड़ी परिभाषा, वाणी अभी भी मध्यम मधुर सी पर कुछ कर गुजरने की है प्रबल सी आशा, चाहे जो भी मैं बन जाऊं गर्व से नारी ही कहलाऊं। मुझे गर्व है कि आज सभापति की चेयर में हमारी ओलंपियन पीटी उषा जी बैठी हैं। मेरा बचपन का सपना था, जब मैं पूजा में जाती थी और गॉड से विश करती थी, मुझे राजनीतिक व्यक्ति नहीं बनना था कि मुझे पीटी उषा जी की तरह गोल्ड मेडल लेना है। एक ही बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगी कि महिलाओं के समानता के अधिकार के लिए चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, हम सब महिलाओं को एकजुट होकर अपने सम्मान और अधिकार के लिए एक होना पड़ेगा। यही कह के मैं, ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और चाहती हूं। रंजीत रंजन को आपने सुना, बड़ी प्रभावी वक्ता हैं और अपनी बात बड़े दमदार तरीके से वो कहती हैं। मेरे साथ यहाँ विजय चौक पर इस विशेष कवरेज पर आज दो विशेष मेहमान भी जुड़ी हुई हैं। निगत अब्बास जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, मेरे साथ हैं, बहुत स्वागत है निगत जी आपका। और डॉक्टर टीना करमवीर जी मेरे साथ हैं, टीना जी आपका बहुत स्वागत है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। देखिए, आज पूरा देश बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि जो कल लोकसभा में हुआ, अभूतपूर्व तरीके से जबरदस्त लगभग सर्वसम्मति के साथ ये बिल पारित हुआ है, आज राज्यसभा में भी वो। तो मैं सबसे पहले आप दोनों का विचार जानना चाहता हूँ, आपको उम्मीद है, आपको लगता है कि जो लोकसभा में हुआ वही आज दोहराया जाएगा और आज देर शाम के बाद हम पूरे देश के अंदर एक जबरदस्त जश्न देख पाएंगे? नेगा जी, बिल्कुल सौरभ जी, और ये एक ऐसा क्षण है, एक ऐसा दिन है जो मरते दम तक हर महिला को याद रहेगा, क्योंकि 27 साल का ये सूखा था, इंतजार था इतने सालों से महिलाओं को, और कई दफा तो महिलाएं त्रस्त हो गई थी कि जो बिल इतने सालों से बन भी गया था उसके बावजूद यूपीए की सरकार इसे पास नहीं करा पाई, क्योंकि इनके राजनीतिक मतभेद इनके घटक दलों के साथ रहे। आज वो दिन है जब ये बिल पास हो गया और मुझे पूरा भरोसा है कि राज्यसभा में भी ये पूर्ण बहुमत के साथ पारित होगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।